नमस्कार। न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। ये किसी भी लोकतंत्र के तीन स्तंभों में से एक है तथा अन्य दो स्तंभों पर जांच रखने का व विधि की सीमाओं में कार्य कराने का कार्यभार संभालती है। हमारे भारत देश में हर राज्य की पब्लिक सर्विस कमीशन जुडिशियल सर्विसेज या न्यायिक सेवा की परीक्षाएं करवाती है। हाल ही में राजस्थान न्यायिक सेवा या जुडिशियल सर्विसेज का परिणाम घोषित किया गया और उसमें एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के छात्र आरुष जी ने 40वां रैंक पूरे भारत में प्राप्त किया है। और आज हमारे साथ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए आए हैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के छात्र 40वें रैंक को प्राप्त करके आरुष जी। नमस्कार आरुष जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने 40वां रैंक प्राप्त करा और न्यायिक सेवा को आपने ज्वाइन करने का फैसला करा। बहुत बहुत बधाई सर आपको। थैंक यू सो मच सर। लॉ कहाँ से करी आपने? मैंने अपनी LLB की पढ़ाई IIMT लॉ स्कूल दिल्ली से करी। अच्छा। हाँ जी। और 5 साल की LLB थी या 3 साल की सर? 5 ईयर्स लॉ था मेरा। 5 ईयर्स की थी। तो जुडिशियल सर्विसेज को ज्वाइन करने का आपने पहले से सोचा था या बाद में आपका मन बना कि आप जुडिशियल सर्विसेज की तरफ जाएंगे, न्यायिक सेवा का चयन करेंगे? बेसिकली माई फादर वॉज अ जुडिशियल सर्वेंट, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड रहा हूँ बचपन से। जिस तरीके से वो अपने लाइफ में डिसीजंस लेते रहे हैं और कठिन से कठिन समस्याओं का भी वो समाधान एक जुडिशियल अप्रोच रखते हुए सॉल्व कर देते हैं, तो उस चीज़ से मैं काफ़ी इंस्पायर्ड रहा था। और उसके बाद मेरी दोनों सिस्टर्स ने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करा तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करा। तो साल दर साल मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इससे अच्छी जॉब कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप अपना बेस्ट आउटकम दे सकते हो सोसाइटी को और अपने तरीके से सारी चीज़ों को डील कर सकते हो बिना किसी बाहरी प्रेशर के। फादर्स जुडिशियल अप्रोच, ये काफ़ी एक डिफरेंट अप्रोच आपने देखी अपनी लाइफ में। मैं मुबारक देता हूँ कि आपने अपने फादर को अपना प्रेरणा मूर्ति भी बनाया, क्योंकि एक लॉयर के परिवार में जब कोई लॉ करता है तो जनरली ये समझा जाता है कि वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी लॉ की ही जनरेशन चलेगी, पर आपने अपने फादर की जुडिशियल सर्विसेज से प्रेरणा ली, ये काफ़ी एक सम्माननीय बात है उनके लिए भी और आपके लिए भी। न्यायमूर्ति तो वैसे भी सम्मान की प्रतिमा होती ही है, तो सर जुडिशियल सर्विसेज ही क्यों चुना आपने? बेसिकली मुझे इस जॉब को, जब से मैंने बचपन से ही इस जॉब को देखा है कि इसमें किस तरीके से चीज़ों को डील किया जाता है, तो मुझे ये काफ़ी नोबल प्रोफेशन लगता था। काफ़ी डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ होती है, यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का एक्सटर्नल प्रेशर फील नहीं करना पड़ता, तो ये मेरा वन ऑफ द बेसिक रीजंस था जो मैंने इस फील्ड को ज्वाइन करने के बारे में सोचा। काफ़ी अच्छी अप्रोच रही है आरुष जी आपकी। तो सर कोचिंग का क्या इसमें योगदान रहा है? क्या कोचिंग ज़रूरी है या आप सिर्फ अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर और किसी भी जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक कर सकते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरे सिस्टर्स ने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करा हुआ है, तो राइट फ्रॉम द कॉलेज डेज मेरा ये माइंड मेकअप था कि मुझे जुडिशियली करनी है, तो वो मुझे गाइड करते थे कि बेसिकली जो भी तुम्हारे कॉलेज के सिलेबस में है, तुम इस वक्त जिस टाइम तुम्हारा कॉलेज चल रहा है उसको तुम अच्छे से पढ़ लो। तो मैं पढ़ता था, लेकिन अगर हम देखें तो सारे सब्जेक्ट्स के कुछ पोर्शन ही हमारे कॉलेज के सिलेबस में होते हैं, जबकि एक जुडिशियल एस्पिरेंट को काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो जैसा कि मेरा लास्ट ईयर था कॉलेज का, मैंने अपने सिस्टर से डिस्कस करा तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि तुम एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट जाओ, वहाँ पे पता करो कि कैसे वो तैयारी करवा रहे हैं और खुद निर्णय लो कि क्या तुम्हें वो ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो मैं एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट आया 2019 में, उस वक्त मेरा 5th ईयर ही चल रहा था कॉलेज का, लास्ट सेमेस्टर। मैं यहाँ पे आने के बाद मैंने विजय सर से मुलाकात करी, उन्होंने मुझे पूरा कुछ समझाया कि कैसे कैसे कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको ये सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाए जाएंगे। और जो मुझे सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगा एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए, वो था यहाँ पे डेली जो टेस्ट सीरीज़ हो रहे थे। मुझे लगा ये तो बेस्ट मौका है, अगर हम डेली टेस्ट देंगे तो हम एक जोन में आ जाएंगे एग्ज़ाम के। और जैसा कि मैंने उस टाइम सोचा था और आज मैं एक सक्सेसफुल एस्पिरेंट हो गया हूँ, बेसिकली अब तो मैं एस्पिरेंट रहा नहीं,
तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है कि उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प करी मेरी। जिस टाइम मैं कोचिंग में था, हमें डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते थे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते थे, और मैं डेली उन्हें शिद्दत से टाइम पे आके क्लास में बैठ के सॉल्व करता था। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उस चीज़ ने मेरी तैयारी आधे से ज़्यादा उसी टाइम पे पूरी करवा दी। डेली टेस्ट तो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप देखिए न्यायिक सेवा की परीक्षा में अगर आपको प्रथम स्थान छोड़िए अगर आपको सिलेक्शन भी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप डेली अपने आप को चेक रखें। बिकॉज व्हेन यू कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ डेली, इट गिव्स यू अ चेक ऑन योर प्रेपरेशन आल्सो। राइट। बिकॉज व्हाट यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस डे, इफ़ यू कांट अटेम्प्ट द नेक्स्ट डे, दैट मीन्स देर इज सम गैप बिटवीन योर प्रेपरेशन एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जैक्टली। सो डेली टेस्ट्स तो आर डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर्स का क्या रोल रहा सर यहाँ पर? टीचर्स में सबसे ज़्यादा जो मुझे इन्फ्लुएंस करा मेरे लाइफ में, मैं ये बात मेरे सभी दोस्त जानते हैं, मेरे घर वाले भी जानते हैं, आलोक सर जो कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में मुझे मिले, उन्होंने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस करा, नॉट जस्ट इन स्टडीज़ बट इन लाइफ एज वेल। जिस तरीके से उन्होंने मुझे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ाया, जिस तरीके से उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर्स दिए, जैसा उन्होंने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ाया, तो टाइम के साथ साथ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। और बेस्ट पार्ट था कि यहाँ जो हमें मटेरियल दिया जाता था, मैं डेली जाके जो भी हमें क्लास में पढ़ाया जाता था, क्योंकि सर की क्लास इतनी इंट्रैक्टिव होती थी और इतनी फुल ऑफ नॉलेज होती थी कि मेरे अंदर से वो जो एंथुजियाज्म था कि मुझे क्रैक करना है, वो उसको एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाके छोड़ देते थे कि अब आप और मेहनत करो। और जैसा कि सर की क्लास करने के बाद मैं अपने वापस रूम पर आता था, क्लास नोट्स रिवाइज करता था उसी दिन, एंड देन उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे मटेरियल में चीज़ें होती थी उनको भी मैं डेली रिवाइज करके नेक्स्ट डे टेस्ट देने के लिए पहुंच जाता था। तो बेसिकली सर के जो भी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स उन्होंने बताए, वो मैंने देखा काफ़ी सारे जो है वो प्रिलिम्स में मेरे क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो गए। क्योंकि हमें क्या होता है कि इतने सारे सेक्शंस होते हैं, अगर हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात करें तो उसमें काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी हैं जी, तो इसमें मतलब हम परेशान हो जाने लगते हैं कि हम क्या पढ़े क्या नहीं। बट जैसे ही मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया एम्बिशन को, और सर के लेक्चर्स को मैंने अटेंड करा, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मुझे किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, और किस चीज़ को कितना टाइम देना है। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊँ, तो सर ने चैप्टर 12 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो कि हमारा इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, इन्वेस्टिगेशन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, उसको सर ने बहुत ही आराम आराम से अच्छे से पढ़ाया। क्योंकि और एग्ज़ाम टाइम में भी मैंने देखा, मेरा एक मेंस का क्वेश्चन भी उसी चैप्टर से था, फिर इंटरव्यू में भी मैंने देखा एक क्वेश्चन उससे ही था। तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अननेसेसरी हमें बर्डन नहीं लेना है। सर हमेशा कहते थे कि प्रेशर नहीं लेना है आपको, अगर आपने तैयारी करी है, अगर आपने मेहनत करा है, तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आज मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से सच पाता हूँ। बिल्कुल सही बात है, रेलिवेंट पढ़ना है और इररेलीवेंट चीज़ों की तरफ नहीं जाना, ये तो हमारे हेडमास्टर साहब ने बखूबी हम सबको सिखाया है जी। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट के सिलेक्शंस बहुत केपेबल होते हैं। बिकॉज आप देखिए एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके का है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। जितना रेलिवेंट अप्रोच आप रखेंगे उतनी आपकी याददाश्त भी कम बोझिल होगी और आपका सिलेक्शन भी बहुत आराम से हो जाएगा। बैरक्स जो एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ने पब्लिश करी है, वो एक हमारी गहन तपस्या रही है उसमें, तो उस बैरक्स का आपने कोई रोल समझा अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में और आगे क्लियर करने में? जी बिल्कुल। मेरे टाइम पे जिस वक्त मैंने कोचिंग करी थी, तो इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट था एम्बिशन का जी। और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का, दोनों ही बेयर एक्ट्स का बहुत बड़ा रोल रहा जब मैंने प्रिलिमिनरी की तैयारी करी जी। क्योंकि बेस्ट पार्ट इन बेयर एक्ट्स का ये था कि इनके सेक्शंस के नीचे ही मीनिंग दिया होता था, और साथ ही साथ रीसेंट केस लॉज या फिर लैंडमार्क केस लॉज जो एक एस्पिरेंट को पता होने चाहिए, वो इनमें होते थे। तो बेसिकली जितनी बार मैं उसको रिवाइज़ करता था,
मेरा कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होता जाता था कि ये चीज़ अब मेरे माइंड में है। जैसा कि पुल्लू कोरी कोटैया का केस है जी, तो जी, जी। मैंने लास्ट मोमेंट पे देखा था और वो एग्ज़ाम में आ गया, तो ये बेयर एक्स का काफ़ी रोल रहा इन चीज़ों में कि लास्ट मोमेंट में जब मैंने रिवीजन करा, साथ ही साथ जब हम सेक्शन पढ़ते हैं तो हमें बुक्स को रेफ़र करना पड़ता है। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट एम्बिशन बेयर एक्ट इज़ कि आपको मीनिंग वहीं पे मिल जाती है और आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ता कि यार ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। सो इट रियली हेल्प मी अलॉट। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की बात कर रहे थे सर, वो क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स थे, कुछ उदाहरण अगर हम मिल सके, आलोक सर किस तरीके की ट्रिक्स बताते हैं क्लास में? जी बिल्कुल, मतलब काफ़ी सारे ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं जो मेरे जहन में आज भी मौजूद हैं। जी जी, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं सर की क्लास को बहुत शिद्दत से करता था, क्योंकि मुझे ये पता था कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं और मेरे फ्रेंड जब यहाँ पे आए कोचिंग में, तो हमें ये चीज़ फर्स्ट डे ही क्लियर हो गया था कि भाई मज़ा आने वाला है, ठीक है। और उसके बाद आपने मुझसे कहा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की, तो सर सेक्शन 89 के बारे में सो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताते हैं कि कौन कौन से वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के मैकेनिज्म्स दिए हुए हैं। तो सर एक निमोनिक्स बताते हैं ACJM जी, जो कि हमें क्लियर कर देता है कि ए स्टैंड्स फॉर आर्बिट्रेशन जी, सी स्टैंड्स फॉर कंसिलिएशन, जे स्टैंड्स फॉर जुडिशियल सेटलमेंट एंड एम स्टैंड्स फॉर मीडिएशन। तो अगर अब एक हमें एक क्वेश्चन में आता है और उसमें एक ऑप्शन नेगोशिएशन होता है, तो हम ईजिली उसको रूल आउट कर सकते हैं ACJM के मैकेनिज्म्स। दैट इज़ वेरी क्लियर, बिकॉज ACJM अगर आप देखें तो असिस्टेंट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की तरफ भी जाता है और ACJM 89 में, तो दिस इज वेरी वंडरफुल टेक्निक। बल्कि मुझे इनफैक्ट याद है सर ने एविडेंस एक्ट पे शायद एक और निमोनिक बताया था, जिसे सेक्शन 8 ऑफ द एविडेंस एक्ट है, जो मोटिव कंडक्ट और प्रेपरेशन से PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से कितना आसान हो जाता है हमें याद करना और एग्जाम में रिकलेक्ट करना, बिकॉज प्रेशर एग्जाम का काफ़ी ज़्यादा होता है। बिल्कुल, तो ये साफ मेरे को झलकता है कि सर की ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के साथ साथ जो टीचिंग पेडागॉजी है सर की, वो साफ झलकती है। एंड दीज आर थिंग्स दैट यू कैन टेक थ्रू आउट योर लाइफ आल्सो। राइट, दैट इज एब्सोल्युटली। आई एम गेटिंग टू वन मोर ऑफ द एग्जांपल अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जी जी जी। सो देयर इज अ प्रोविजन रिलेटिंग टू ज्यूरिसडिक्शन इन इंक्वायरी एंड ट्रायल इन चैप्टर 13। जी। सो देयर इज अ सेक्शन 178। जी। सो सर टोल्ड अस अबाउट द निमोनिक्स ऑफ यूपीएससी, राइट, व्हेन यू आर अनसर्टेन दैट under which of the jurisdictions the offense took place, or the offense took place partly in one jurisdiction and partly in another jurisdiction, then you are this, that the offense was a continuous one. And then as it stands for that, there was one more thing, I'm not recalling it. So that made us, you know, everything was so clear right from the beginning, you know, when you are attending the class and then you are revising it and then you are going for the exam. I never checked my marks for preliminary, right? They released this answer sheet, whatever it was, answer code or whatever it was. I never checked it because I knew that I had done, you know, hard work. And just because sir had helped me a lot, so I always knew that I am going to crack this exam. So this is really important to have faith on your teacher. That is of utmost importance to have faith in whosoever is teaching you. Right. तो सर क्या क्लास नोट्स जो थे आपके, तो उसमें आंसर राइटिंग स्टूडेंट्स को बहुत एक बड़ा ऑब्स्टिकल लगता है, जो कि हम उसको बहुत ईजिली क्लियर आउट करा देते हैं, बट क्या फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल आप बताएंगे आंसर राइटिंग की क्या अप्रोच थी यहाँ पर? लाइक हम क्लास में आते थे, सो क्लास में हमें जो भी चीज़ें बताई जाती थी तो मैं सारी चीज़ें नोट कर लेता था, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आप क्लास में अटेंड करते वक्त जो आप अपने पूरे माइंड से अगर किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हो और अपना कंसंट्रेशन बरकरार रखते हो, तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि आपको वो चीज़ भूलेगी नहीं जल्दी। अगर आप, मुझे अभी भी याद है कि कई बार ऐसा होता था कि हम चीज़ों को मिस आउट करने लगते थे, तो सर हमें हिंट दे देते थे कि इसको लिख लो, ये भी ज़रूरी है। जैसे कई बार बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आजकल हिंदी भी आता है, जैसे राजस्थान में भी एक पेपर हिंदी ऐसे का था जी, तो सर यूज़ टू टेल अस बीच बीच में कि ये देखो इसका मीनिंग ये है, लिख लो इसको भी। जी जी जी। तो हम, वैसे तो मैं सारी चीज़ें लिखता ही था जो भी सर कहते थे,
बट सर भी हमें बता दिया करते थे कि देखो दिस कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, तो यू मस्ट राइट इट डाउन. वो उनका एक्सपीरियंस ही उनको बता रहा है. राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल. एंड देन जैसे कि कोई भी टॉपिक सर जब पढ़ाते थे तो वो टॉपिक, पहली चीज़ तो आप सर ने बेयर एक्ट में हमें पढ़ाया, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट ने दिया वो ये था कि लॉ को कैसे पढ़ना है. सर हमेशा कहते थे कि आराम आराम से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए. तो जितना आराम आराम से मैंने इन सेक्शंस को पढ़ा उतने ही वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठते गए. आज बात आती है जब आंसर राइटिंग की, तो जो भी हमें नोट्स दिए जाते थे जी, वो मोर देन सफिशिएंट होते थे. उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं उसी दिन जाके मटेरियल पढ़ता था. मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी स्टेट का नहीं है जो कि उसका आंसर हमें उस मटेरियल में ना मिल जाए. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और जब मैंने इस कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से शुरुआत करी एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में, उसके बाद जब मैंने मटेरियल पढ़ना स्टार्ट करा तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि अब मुझे किसी और बुक की ज़रूरत ही नहीं है. कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो, सारा आंसर मुझे उस मटेरियल में मिल जाता था. यू हैव एवरीथिंग इन जस्ट वन प्लेस, इन वन फ्रॉम वन पर्सन कमिंग टू यू. राइट राइट राइट. सो आई वॉज नॉट सपोज टू गो हेयर. राइट, आई वॉज फोकस्ड. I was knowing what to read, I was knowing what not to read, I was knowing how much time has to be given to what topic. So everything was a kind of clear to me after coming to this institute. Right. Clarity in approach is very, very important. Right, right. So sir, now you are now a judicial, not a judicial services aspirant, as you very clearly pointed out. You are a judge. So that sahab, aap bataiye, what three things come into your vision when you see this country that you want to change or you want to implement as a judicial officer? Right, there are many things which I see which are required to be, you know, worked upon. First and foremost, I think that this judicial system has to be more efficient in dispensation of justice. Like recently there was a survey which talked about that there are so many pending cases. So there has to be some kind of positive approach to solve these issues in a very effective and efficient manner, so that justice can be fair and speedy. Second thing is that everyone should have equal opportunity, as our constitution says. So whatever I have read in my life, as I do not use my surname, and I do not use my surname just to show that we should not discriminate on the basis of gender, sex, religion, or any of them. And third thing, what I feel is that we should create such a country that everyone can, you know, to the best of their endeavors, can get whatever they want, can feel whatever they feel, can speak whatever they want to speak, but without disturbing the, you know, right of other persons, and to be at the right places, doing the right things, and taking this country to become a Vishwaguru. Taking this country to become a Vishwaguru. See, that is a vision that the judicial services aspirants should have, so that when they achieve the post like you have very graciously, they can become an asset to this country. Arushji, congratulations once again for achieving All India Rank 40th in Rajasthan Judicial Services. You have shared your wonderful story, and from Team Ambition, I wish you all the very best, that you achieve more and more laurels, and you are one of the finest judges of this country, and we will hope to see you very soon once again with us. Thank you so much for having us, and thank you so much all of you for watching. Thank you so much. Thank you so much.